हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में दोस्तों हम लोग चोरी करने वाले शाबाश बेटा वाले, जो कि आम का चोरी करेंगे। आम तो ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, छोटा छोटा है, बट उसका सलाद इतना स्वादिष्ट लगता है ना कि आप लोग को बताऊं। और दोस्तों आज हम लोग वही जाएंगे बागीचे में लाने, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत लोग हैं दोस्तों। तो हम लोग साथ में ही जाएंगे, काफी मजा आएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं आम चुराने। चल 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 चल। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं बागीचे में, और अभी अपना कांड चालू करेंगे दोस्तों। और आप देख सकते हो मालिक वहां पर बैठे हैं, मालिक वहां पर सोए हुए हैं। आप लोग देखिए पीछे आप लोग को दिख रहा होगा, मालिक वहां पर सोए हैं दोस्तों। और हम लोग आ चुके हैं बागीचे में, और अभी थोड़ा सा उनसे बात करेंगे, और उसके बाद से बातों में फंसा कर फिर उसके बाद हम लोग अपना कांड करना, मतलब आम का चुराना चालू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को भी दिखाएंगे चुराते समय, आप लोग भी देखिएगा। भाई ये वीडियो बस फनी के लिए बन रहा है और मजाक के लिए बन रहा है, तो ये सीरियस ना ले, ठीक ना। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और सलाद, उसका जो आम का सलाद बनता है ना दोस्तों, काफ़ी जवाब लगता है। आप लोग को दिखाएंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं, और आम देख सकते हो दोस्तों बगल में ही है, और वही तोड़ेंगे। और मालिक साहब उधर बैठे हैं, दूर है थोड़ा, और देखे नहीं है अभी हम लोग को, और हम लोग आम तोड़ेंगे। चलिए चलते हैं, तोड़ते हैं आम। तो दोस्तों मालिक साहब हम लोग को देख लिए दोस्तों, और वहां से इतना तेज भगे हम लोग ना, क्या बताए। देख सकते हो सभी लोग आ रहे हैं दोस्तों वहीं से, और पीछे बागीचा है, हम लोग थोड़ा दूर पे आ गए हैं दोस्तों। और आप लोग देख सकते हो इतना ज्यादा आम तोड़े हैं, इतना ज्यादा, कई आधा किलो आम होगा दोस्तों। और जब दौड़ाए ना तो काफी तेज भगे हम लोग, और मजा आ गया दोस्तों। अब चलिए घर चलते हैं और आम का सलाद बनाएंगे और खाएंगे, और आप लोग को दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट में दोस्तों, काफी मजा आएगा। तो दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं आम को धुलाई करने, और हमारे आपसे एक भैया वीडियो बना रहे हैं, जो कि मेरे साथ में गोविंद भैया हैं, और हम लोग जा रहे हैं धुलने आम को। तो दोस्तों हम लोग आम की धुलाई कर चुके हैं, और जो कि जा रहे हैं छीलने आम को। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे गोविंद भैया आम को कैसे छील रहे हैं, एकदम सर नीचे कर चुके हैं, ताकि उनका हाथ कटे वटे ना, एकदम पूरा ध्यान से देख रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो अभी तक एक आम छीले हैं गोविंद भैया, और छील रहे हैं एक दूसरा आम भी छिलाने वाला है। तो दोस्तों ये तीसरा आम मैं उनको पकड़ाने जा रहा हूँ, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों आम सलाद का रूप दे दिया हम लोग, और इसको बाद से इसको धुलेंगे, और इसके बाद से प्याज धुलेंगे, और उसके बाद से सलाद रेडी हो जाएगा, जो कि नमक वमक वहां पर रखे हैं। और उसके बाद सलाद आप लोग को दिखाएंगे, किसका आकार कैसा लगा, कैसा खाने में मजा आता है नहीं आता, सब कुछ दिखाएंगे। चलिए धुलते हैं इसको। Yay!
बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आम हम धुल चुके हैं, आप लोग देख सकते हो आम हम धुल चुके हैं, और इसमें डालेंगे प्याज मरचा और नमक उमक डालेंगे, और दोस्तों सलाद तब खाएंगे, मजा आ जाएगा। चलिए आप लोग को भी दिखाएंगे, बने रहेगा वीडियो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे गोविंद भाई कितना तेज प्याज व्याज काट रहे हैं, देख सकते हो रेडी ओडी कर चुके हैं, और मरचा काटना, नमक देख सकते हो यहाँ पर रखे है, और आम यहाँ पर है, और अभी मजा आएगा दोस्तों, हम अल्थी पल्थी मार के बैठ जाते हैं, जो कि खाना है दोस्तों, मजा आ जाएगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, देखिए पूरा फुल एंजॉय करिए, और हमारे अंकित भाई कैमरामैन अभी समय बने हैं, अभी वो भी आएंगे खाने, मजा आ जाएगा दोस्तों। काटो जी जल्दी जल्दी। हम लोग आज अब रेडी चुके हैं, हम लोग पत्तल तल रख गया है, और सलाद यहाँ पर है, तो चलिए सबको देते हैं। तो दोस्तों हम लोग सलाद खा हो चुके हैं दोस्तों, उस समय मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था दोस्तों, और लाइट अभी 10 मिनट हो रहा आई है, और मेरे फ़ोन में 2-4% हुआ होगा, तो मैंने सोचा कि इंड वीडियो बना लिया जाए, और उसके लिए सॉरी, बट खाया मज़ा आ गया दोस्तों। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट प्यार दिखाते रहिए अपना। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।